हेलो एवरीवन, मैं आकाश कुमार टेक डेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने सेल बोकारो के नए एक क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर आज आने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे करेंगे। इससे पहले के सारे वीडियोज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इससे पहले मैंने सेल भिलाई का भी वीडियो बनाया था, मतलब क्वेश्चन सीरीज़ का वीडियो बनाया था, जिसमें से कि परसेंटेज क्वेश्चंस मतलब अप्रॉक्स 30 से 35 क्वेश्चंस मेरे चैनल के वीडियोस से ही थे, ठीक है ना। तो आप सेल बोकारो के लिए भी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और प्रिपरेशन करें अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी लेस देन 50% इज नोन एज। वैसे लिफ्टिंग मशीन जिसका एफिशिएंसी जो है वो आपका जाकर 50% से नीचे है, वो कौन से मशीन कहलाते हैं? तो वो हो जाएंगे आपके जाकर नॉन रिवर्सिबल मशीन, ठीक है ना। अब नॉन रिवर्सिबल और रिवर्सिबल मशीन में क्या डिफरेंस है? वैसा मशीन जिसमें कि अगर आप लोड रिमूव करेंगे तो वो मशीन अपने वापस अपने पोजिशन पर आ जाए तो वो आपका रिवर्सिबल मशीन कहलाता है। वो मशीन हमारे कोई काम का नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप पुली को देखो, पुली के साथ क्या होता है कि आप अगर उससे पानी लिफ्ट कर रहे हो तो लिफ्ट करते समय जैसे ही आप लोड रिलीज करोगे तो वो वापस से जितना आपका वर्क हुआ था वो वापस से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसी मशीन, वैसी एफिशिएंसी वाली मशीन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें 50% से लेस एफिशिएंट मशीन ही काम में आता है, जैसे स्क्रू जैक हो गया, ठीक है। इसके बाद है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूड, ठीक है ना। क्या रिप्रेजेंट करता है? टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूड, ठीक। उसके बाद है अ साइकिल पैडलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो साइकिल पैडलिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो ये एग्जाम्पल होता है मोमेंट का। आप ऐसे जानो कि इसी कारण से जो रेसिंग साइकिल्स होती हैं उनके पैडल्स लंबे होते हैं, ठीक है ना। अगर पैडल लंबे होंगे तो हमें कम फोर्स लगाकर मतलब आसानी से हम ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो रेसिंग साइकिल्स होते हैं उसके पैडल लंबे होते हैं और जो व्हील का भी जोड़ा डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद है टर्निंग अ लॉक इज इंटू द लॉक, मतलब टर्निंग अ की इंटू अ लॉक इज अ केस ऑफ। जो टर्निंग हम की का करते हैं लॉक में तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो मतलब वो हो जाता है आपका जाकर कपल का, ठीक है ना। की को हम लोग को ट्विस्ट करने में भी कपल का यूज़ होता है। और कहाँ पे यूज़ होता है की का मतलब वो कपल का? तो वो अगर हम लोग नल को खोलते हैं, आई मीन टैप को, तो टैप को खोलते समय भी हम लोग कपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्लॉकवाइज चलता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ ए लिम्का बॉटल इज ड्यू टू। अब जब हम लोग लिम्का बॉटल को खोलते हैं तो खोलते समय में क्या काम करता है? तो ये काम करता है आपका जाकर मोमेंट। क्या काम करता है? मोमेंट। क्योंकि और जितना लंबा आपका लिम्का बॉटल का जो की होता है जिसे ओपनर जिसे कहते हैं वो ओपनर होगा, उतना कम फोर्स लगाकर मैं आसानी से उसको बॉटल को खोल सकेंगे। इसके बाद है इन केस ऑफ कंकरेंट को प्लानर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज। तो कंकरेंट और कोप्लानर फोर्स के लिए जो कंडीशन इक्विलिब्रियम का होता है वो क्या होता है? तो वो जाता है आपका जाकर सिग्मा एच इज इक्वल्स टू जीरो एंड सिग्मा वी इक्वल्स टू जीरो। मतलब सबमिशन ऑफ जितने हॉरिजेंटल फोर्स है उसका सबमिशन जीरो होना चाहिए, और जितना वर्टिकल फोर्स है उसका भी अगर जीरो हो जाता है फोर्सेस का सबमिशन मतलब सम, तो आपका ये क्या हो जाएगा? कंकरेंट और कोप्लानर फोर्स का जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय अ टू चेन एज शोन इन अ फिगर, ठीक है। व्हाट विल बी द टेंशन ऑफ चेन वन एंड चेन टू रेस्पेक्टिवली। ये फिगर है, ठीक है ना। इसमें आपका ये 1000 न्यूटन का जो आपका लोड लगा हुआ है तो बोल रहा है कि ये चेन और इस चेन में कितना का आपका जाकर क्या होगा? लोड लगेगा, ठीक है ना, मतलब टेंशन कितना का प्रोड्यूस होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका हो जाएगा कि ये इस तरह का है, चूँकि पेन टैबलेट नहीं है तो अभी थोड़ा मैनेज कर लो, बाद में अच्छे से बता दूंगा। तो ये आपका जाकर लोड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होता है एक हैच लाइन, लाइन दे देना होता था। तो क्या होगा, यहाँ लोड लग रहा है कितना का? 1000 न्यूटन का लोड लग रहा है। टेंशन किधर होगा? टेंशन हमेशा जिधर लोड लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दोनों साइड है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या होता है
ये बोलता है कि जिधर में आपका जाकर तीन अगर फोर्स, मतलब अगर आपका जाकर कंकरेंट फोर्स है और वो तीनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो F1 by sin थीटा इज इक्वल्स टू F2 by sin थीटा इज इक्वल्स टू F3 by sin थीटा होगा, ठीक है ना। और जो फोर्स लगेगा वो, मतलब जो एंगल होगा वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन का होगा। तो चलो ये देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 1000 न्यूटन का लगा हुआ है, तो साइन का कितना वैल्यू हो गया, तो आपका जाकर 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद ये वाला क्या होगा, T1, तो इसका अपोजिट वाला मतलब 150 डिग्री साइन का, और T2 इसका अपोजिट डिग्री मतलब हो गया साइन 120 डिग्री का। तो इस हिसाब से हम लोग T1 निकाल लेते हैं। T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये दो इक्वेशन को लेंगे हम लोग, ये वाला और ये वाला, तो T1 निकलेगा, तो 1000 इंटू साइन 150 बाई साइन 90, तो ये आ जाएगा आपका जाकर साइन 150 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 500 न्यूटन। और वही T2 के साथ क्या होगा, 1000 इंटू साइन 120 बाई आपका जाकर साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 866.6 न्यूटन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। और ये कितना किसका है, T1 का है, मतलब चेन 1 का हो जाएगा, और T2 मतलब चेन 2 का आपका कितना हो जाएगा, 866 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद है, इफ द काइनेटिक मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल, अगर किसी का मोमेंटम जो बॉडी का है वो डबल हो जाए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नोन एज मोमेंटम प्रिंसिपल, कौन सा इक्वेशन जो है मोमेंटम प्रिंसिपल को होगा, तो ये हो जाता है आपका जाकर एफ इक्वल्स टू DmV/dt, क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू DmV/dt। फिर है, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम इन टू प्ले वेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज, वह मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जिससे कि लगाने के बाद बॉडी जो है मोशन में आ जाए, उस फोर्स को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब उसके बाद है, इससे पहले अगर बोले तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो वो फ्रिक्शन जब वो बॉडी, जब मतलब बॉडी जो है मोशन से, मतलब मोशन में नहीं रहता है, जब रेस्ट में रहता है, तो वो जो फ्रिक्शन काम करता है वो क्या हो जाएगा आपका जाकर, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और डायनेमिक फ्रिक्शन की बात करें, तो जब जब कोई बॉडी मोशन में रहता है तब भी एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, फोर्स जब लगा हुआ रहता है, तो वो जो फ्रिक्शन होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका जाकर डायनेमिक फ्रिक्शन। और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर, जो फार्मूला होता है, तो इसमें जो म्यू है वो क्या है आपका जाकर, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है। मतलब कोई दो बॉडी है, अगर उसमें मोशन हो रहा है, या वो दोनों अगर चल रहा है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिसको रेजिस्ट करने के बाद वो बॉडी मोशन में आ रहा है, तो वो जो आपका जाकर जो फोर्स होता है, मतलब वो जो फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन को ही हम लोग कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, इनमें से किस पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है, तो ये आपका नॉर्मल फोर रिएक्शन पे नहीं डिपेंड करता है, मतलब आप कितना भी लोड लगा दो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो फ्रिक्शन, मतलब वो कैसे होता है कि हम लोग बचपन में जब सोचते हैं कि अगर अगर कोई एक बॉडी है उसके ऊपर में रख दी और उसको किसी दूसरे बॉडी से लटका दिए, चेयर का ही एग्जांपल लो, ये बेंच का, तो बेंच में अगर दो बॉडी को लटकाए तो हम लोग सोचते हैं कि भारी अगर बड़ा सा अगर ब्रिक रख देंगे तो वो नहीं खिंचाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, नॉर्मल रिएक्शन काम नहीं करता है। काम क्या करता है कि अगर रफ़ सरफेस, अगर हल्का भी रफ़ सरफेस का यूज़ कर लें और वहाँ पर कोई रफ़ सरफेस बना दें और उसको फिर से लगाए, तो आपका ज़्यादा काम करेगा। तो क्या काम करता है आपका जाकर, सरफेस रफनेस, ठीक है ना। जितना ज्यादा रफ सरफेस रहेगा उतना ही आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अधिक होगा। फिर इसके बाद है, ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन एंड कैन बी जस्ट मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजेंटली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोल रहा है, एक बॉडी है जिसका वेट 200 न्यूटन का है, वो रफ हॉरिजेंटल प्लेन पे लाई कर रहा है और बोलता है कि वो फोर्स जो है, मतलब 80 न्यूटन का फोर्स अगर उस पर अप्लाई किया गया हॉरिजेंटली, तो वो मूव करने लगा, तो इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो क्या हो रहा है कि एक बॉडी है यहाँ पर, ये इसका रिएक्शन फोर्स काम करेगा, 200 न्यूटन का है बॉडी, ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और ये इधर मोशन करने लगा, कब, जब 80 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। तो
अब जब 80 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो इसके अगेंस्ट में कोफिशिएंट मतलब फ्रिक्शन भी काम करेगा, तो वो जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कितना होगा, एफ इक्वल्स टू न्यू आर, इसी के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल्स टू न्यू आर लिखे तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यू का वैल्यू मतलब म्यू का वैल्यू इज इक्वल, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका जाकर एफ बाई आर, मतलब इधर नीचे चला गया, म्यू इक्वल्स टू एफ बाई आर, और म्यू के बराबर मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फोर्स कितना था मेरा 80 का था, और यहाँ रिएक्शन कितना का लग रहा है 200 का, तो ये म्यू का वैल्यू कितना दे देगा आपको 0.4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.4 का, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद है, इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो कितना होता है, तो वो आपका जाकर हो जाता है 2 का पावर n, और यही अगर सेकंड सिस्टम ऑफ पुली की बात करें तो उसमें n हो जाएगा, और अगर थर्ड सिस्टम ऑफ पुली की बात करें तो 2n-1 हो जाएगा, 2 का पावर n-1। फिर है इसके बाद, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज ऑलवेज, जो वैल्यू होता है पॉइजन्स रेशियो का वो ऑलवेज कितना होता है, तो ये हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है ना। एक्चुअली देखा जाए तो ये 0.5 से ज़्यादा होता ही नहीं है, और पॉइजन रेशियो सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो रबड़ का होता है। अब पॉइजन रेशियो होता क्या है, तो पॉइजन रेशियो आप समझिए, तो ये एक रेशियो है कि जैसे अगर सिंपल भाषा में समझे तो जब हम किसी बॉडी को इलोंगेट करते हैं तो उसका क्या होता है, उसका अगर लेंथ बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो विड्थ भी घटता है, तो ये है रेशियो, पॉइजन रेशियो किसका रेशियो है, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है ना। वो जो अगर हम अगर कोई बॉडी को अगर लंबा खींच रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनली अगर हम खींच रहे हैं, या नहीं तो अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, अगर हम खींचते हैं तो उसका लैटरल स्ट्रेन मतलब लैटरल पार्ट जो है उसके 90 डिग्री वाला पार्ट होता है वो कम होता है और लेंथ बढ़ता है, ठीक है ना। अगर वही कंप्रेस करते हैं तब क्या होता है कि अगर अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका लेंथ तो घटता है लेकिन आपका लैटरल स्ट्रेन जो है वो बढ़ता है, जो 90 डिग्री के अगेंस्ट वाला पार्ट होता है वो, तो यही हो गया पॉइजन्स रेशियो, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, ये हमेशा पॉइजन्स रेशियो हमेशा 1 से कम ही होता है। इसके बाद है, अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉड्यूलस इज, तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है यंग मॉड्यूलस का वो कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका जाकर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऐसे बोले तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का तो कोई वैल्यू होता नहीं है क्योंकि उसमें जो लेंथ होता है दोनों लेंथ कट जाता है आपस में, तो बचा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई ए, ठीक है ना। एफ बाई ए हुआ, एफ का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है ना, और उसके साथ ए है तो एल का नीचे में एल स्क्वायर हो जाता है, मतलब एल स्क्वायर, तो उसको कट कर जो आएगा वैल्यू वो आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू का। फिर है, द एंगुलर मोमेंट ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ देयर इज, एंगुलर मोमेंट जो होता है वो सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है कब, जब आपका टॉर्क प्रेजेंट नहीं होगा, तब क्या होगा, टॉर्क प्रेजेंट नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंट किसी भी सिस्टम का कंजर्व रहेगा। फिर है, द रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉन कोप्लानर सिस्टम फोर्स सिस्टम, द बॉडी विल रिमेन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन, कब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, जब आपका सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा एफ वाई प्लस सिग्मा एफ जेड जो है वो आपका 0 हो। मतलब 3 डायमेंशंस होते हैं ना, अगर कोई बॉडी को है जो नॉन को प्लानर है, सबसे पहले नॉन को प्लानर बोल दिया है, और वो अगर रेस्ट में मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, मतलब कोई बॉडी अगर हवा में है और वो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए चाहता है, तो क्या होगा, उसके एक्स जो डायरेक्शन होता है उसमें भी आपका जाकर 0 होना है, वाई में भी होना है और जेड में भी होना है, ठीक है। इसके बाद है, फॉर अ थिन स्फेरिकल शेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू डायमेट्रिकल स्ट्रेन इज, कितना होता है रेशियो, तो ये हो जाता है आपका जाकर 3:1 का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू डायमेट्रिकल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 3:1। फिर है, द कंपोनेंट ऑफ द कन्वर्टर डेट अलाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इज द, क्या होगा, वह कंपोनेंट जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टॉर्क को अलाउ करता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, तो वो स्टेटर होता है आपका, स्टेटर जो है वो आपका जाकर क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टॉर्क मतलब टॉर्क को बढ़ाने का काम कौन करता है, किसी भी मोटर में वो स्टेटर ही करता है। फिर है, अ बॉल इज थ्रोन अप, अब एक बॉल को फेंका गया तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कब होगा मैक्सिमम, बोलता है कि जब कोई बॉल को अगर ऊपर फेंका गया तो आपका जाकर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू तो हमेशा ही सेम होता है, ठीक है ना, हमेशा क्या रहता है, एक मतलब हर एक पॉइंट पे सेम ही होगा, ठीक है ना। तो बोलता है मैक्सिमम कब होगा, तो जो जो एक का वैल्यू होगा वही दूसरे का वैल्यू होगा, तो हमेशा मैक्सिमम रहता है एट ऑल पॉइंट, ठीक है।
फिर है द एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन इन अ सिंपल मशीन इज, एफर्ट लॉस कितना होता है, तो ये आपका जो हो जाएगा पी माइनस पी जीरो का, ठीक है ना, एफर्ट लॉस क्या होगा पी माइनस पी जीरो का, ठीक है। फिर ये आपका जाकर हो जाता है आपका जाकर आइडियल कंडीशन, और ये जो होता है आपका जाकर जनरल जो एक्चुअल कंडीशन होता है पी माइनस पी जीरो, तो आपको क्या मिल जाएगा एफर्ट लॉस मिल जाएगा। आइडियल से जो वर्क हुआ मतलब जो एक्चुअल में हुआ उसको अगर माइनस करेंगे तो एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आपको मिल जाएगा। फिर है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन एट विच बॉडी जस्ट बिगेन टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड, वह एंगल इंक्लिनेशन का जिसमें कि बॉडी जस्ट मतलब उसमें बॉडी जो है वो गिरने लगा, मतलब वह एंगल जिसमें कि जैसे हम मान लीजिए एक स्लाइडर है, ठीक है ना, अब उसमें क्या हुआ मतलब कि वो बॉडी अगर धीरे धीरे उठ रहा है तो वह इतना पोजीशन तक उठे वो स्लाइडर कि आप वहाँ अगर ऊपर में, अगर उसके ऊपर में स्लाइडर के ऊपर में हो तो वो क्या हो आप धीरे धीरे स्लाइड करने लगो उसमें, ठीक है ना, स्लाइड करने लगो, तो वह जो एंगल होता है जिसमें कि आप स्लाइड करने लगो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। फिर है अ डायनेमिक फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज, डायनेमिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कितना होता है, तो ये हमेशा कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये डायनेमिक फ्रिक्शन जो है मोशन में होने के कारण है और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है रेस्ट में, तो रेस्ट वाला तो ज़्यादा फोर्स लगेगा ना, तब ना उसको ब्रेक करके फिर डायनेमिक फ्रिक्शन में आ पाएगा, तो आपका जाकर क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से ये हमेशा कम होता है। फिर उसके बाद है अ बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना, वेट W का रफ इंक्लाइंड प्लेन में पड़ा हुआ है, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजेंटल इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इंक्लिनेशन जो होगा प्लेन का वो हॉरिजेंटल से वो कम होता है किससे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, तो बॉडी कैसा होगा, तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहा है इंक्लिनेशन जो है प्लेन का हॉरिजेंटल से वो कम है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है, ठीक है ना, इंक्लिनेशन, तो आपका बॉडी क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ज़्यादा होगा तब ना आपका बॉडी स्लाइड करने लगेगा। फिर है द एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक इज मिनिमम व्हेन, एफिशिएंसी जो है स्क्रू जैक का वो मिनिमम कब होगा, तो ये आपका जाकर होगा मिनिमम 45 माइनस 5/2 में, क्या होगा एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, सॉरी ये मैक्सिमम की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम कब होगा जब अल्फा इज इक्वल टू 45 माइनस 5/2 का होगा। तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।